आप लोगों ने देखा होगा कितनी मंदाकिनी नदी का फ्लो है जो बढ़ गया है। तो मतलब पहाड़ों साइड जाना तो अभी थोड़ा रिस्की है। और मिल जाता मम्मी लेके आई 550 में, क्योंकि मॉल में 25 की चीज 50 की। तो क्यों गए मॉल? तो मम्मी कही ना मॉल में ठीक रहता है। तो वो तो वैसे भी चढ़ना थोड़ना है, वो तो कोई और ले लेगी, वो तो पुजारी ने लेगी। वो भी तो अच्छी चीज लगाएगी। तो टोटली मुझे 2000 रुपए चाहिए। क्या करोगे? क्या करूंगी? क्यों, घर पे तो रहते हो। अच्छा, तो कभी तो जाऊंगी बाहर, कर 2000 रुपए देगा। कहां जाना है? चल जाओ। हम कहीं जाते हैं ना तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ, 3000 का सामान 5000 में आता है, 5 का 8 में, और वही हुआ है हमारे साथ। लेकिन 2-3 महीने की छुट्टी। पापा को बस ये लगता है, अरे भाई सिर्फ लिया है, दाल लिया है 4-5 और 2-4 मसाले लिया है, राशन आ गया है ना, यही लगता है ना पापा। आज तीज भी है तो आप सबको हैप्पी तीज। और मम्मी की मैंने मेहंदी भी लगाई थी, अभी दिखाती हूँ आपको। दिखाओ मम्मी, ये देखो गाइस। और मम्मी ने सूट भी पहना है आज, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो मतलब बहुत पानी पानी हो रहा है, और वैसे भी लास्ट टाइम एक्सपीरियंस देख लिया था तो ऐसा जैसा कुछ अच्छा नहीं लगा था, मतलब ऐसा नहीं। तो गाइस आज है ट्यूसडे और सावन का जो है 3rd सोमवार कल चला गया है ना, अब चौथा आएगा। और यहाँ पे मम्मी ने आज बनाए हैं डिनर में, है मेरे को क्या हो जाता है, लंच को डिनर, डिनर को ब्रेकफास्ट। मम्मी ने बनाए हैं लंच में स्पेशल जवे, नमकीन वाले। हम लोग खाते नहीं हैं वैसे ऐसे, मतलब जो देसी लोग होते हैं शायद वो लोग बहुत खाते हैं, पहाड़ी लोग ये जवे खाते नहीं हैं। लेकिन मम्मी ने स्पेशली बनाए हैं नमकीन वाले जवे, मुझे भी अच्छे लगते हैं लेकिन कभी कभी। और मीठे मीठे वाले भी खा रही हैं यहाँ पे, तो मम्मी अपने लिए मीठे नमकीन और लेती, मम्मी इतना सही है, मम्मी को भूख नहीं लगती। तो अभी हम लोग ये खा रहे हैं, तो यहाँ पे साथ के साथ देख रहे हैं व्लॉग। गोलू और पापा जा चुके ऑफिस, आज धूप भी थोड़ी ठीक है, ठीक क्या है, कभी आ रही है कभी जा रही है। और बारिश का भी दिल्ली में तो ऐसा कुछ है नहीं, दिल्ली NCR में, लेकिन हाँ पहाड़ों साइड काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, हिमाचल शिमला इस साइड काफ़ी बार। जो केदारनाथ में भी आप लोगों ने देखा होगा कितनी मंदाकिनी नदी का फ्लो है जो बढ़ गया है। तो मतलब पहाड़ों साइड जाना तो अभी थोड़ा रिस्की है, और जितना है आप लोग प्लेन्स में ही रहो। तो फटाफट से पहले लंच करते हैं, फिर करते हैं। तो गाइस अभी मम्मी जा रही हैं तीज के लिए, हरी हरी चूड़ियाँ पहनने, हाथों में पहनने लेने। तो लेके आओगे तो भी तो पहनोगे, वैसे कई लोग पहन के भी आते हैं। मैं मम्मी बोल रही थी पीछे वाली मार्केट चलते हैं, मैंने बोला मैं जा रही हूँ वहाँ पे, पहले तो मैं वहीं बोल रही थी जाने के लिए, लेकिन फिर ना मम्मी के ड्रामे बहुत होते हैं, मैंने कहा अब तो मॉल ही जाएंगे, अगर चल रहे तो ठीक है, नहीं चल रहे तो, क्योंकि यहाँ पे ना 20 की चीज़ 50 में मिलती है, लेकिन मम्मी को भी यहीं जाना है, तो मैंने बोला चलो अब यहीं चलेंगे। तो भी पहनेंगी मम्मी चूड़ियाँ, अलग भी लेना चाहिए अपने बगल की मार्केट का। तो गाइज मम्मी लेके आ चुकी है पूरा तीज का सामान, 50 वाली चीज़ 70 में, 70 वाली चीज़ 100 में। तो अभी हम घर पहुँच गए, मैं दिखाती हूँ आपको, उसमें पता नहीं वो भी क्या करा ऐड, समझ नहीं आता, अभी देखते हैं घर जाके ऐड करते हैं, सही ऐड करा भी है या नहीं। तो भाई अभी मम्मी ने बना दिया है यहाँ पे करेला, और ये रही दाल, और ये हमारा चिमनी लग चुकी है फाइनली, ये जा रही है यहाँ से। दिखाओ करेला, इतना सही है वैसे, ज़्यादा हम खाते भी नहीं। और ये चिमनी ऐसे लगी थी, मैं तो दिखाई दिया होगा, और यहाँ से इसका पाइप जा रहा है पूरा पीछे की साइड। और ये हमने कैफ की ली, क्योंकि हमारा जो ईमा का है ये भी कैफ का ही है, तो इसलिए कैफ का ही ले लिया। हॉप तो हन्नी आज मम्मी के लिए, तीज के लिए, पता नहीं क्या क्या लेके आई है। हाँ मतलब वही ताई जी के लिए, ताई जी के पागल है, किसके लिए लाते हैं तीज में मेरे को क्या पता, माता रानी को चढ़ाते हैं। अच्छा, तो मम्मी मॉल से लेके आई, मतलब 250 रुपए का सामान मम्मी लेके आई। थोड़ा तेज बोलना बहरी है। 250? अरे तेज नहीं चिल्ला सकती ना, कम से कम ही हमें बाहर 250 का मिल जाता, मम्मी लेके आई 550 में, क्योंकि मॉल में 25 की चीज 50 की। तो क्यों गए मॉल? तो मम्मी कही ना मॉल में ठीक रहता है। तो मम्मी ये लेके आई है, ये सड़ी सड़ी पलातपुर में 10 रुपए की मिलती थी, मम्मी ये भी कोई बाहर वो नहीं हो रहा, ये चूड़ी 10 की पलात 20 रुपए की, ये रेड चूड़ी लाई है और ग्रीन चूड़ी भी लाई है, मतलब माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लाई है, तीज है ना कल, तो लेडीज है मेहंदी मेहंदी लगाती है, माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो ये सब लेके आई है, कॉम वगैरह। बस यही सब है, श्रृंगार का सामान है, पीपे हैं, पता नहीं बस और क्या। कौन सा लिया है? तो वो तो वैसे भी चढ़ना थोड़ना है, वो तो कोई और ले लेगी, वो तो पुजारी ने लेगी। तो वो भी तो अच्छी चीज लगाएगी। चलो भाई अब खाते हैं ये। वैसे वो पुजारी ने आंटी बहुत दिनों से तो बोलती थी कभी कभी ना वहाँ पे मंदिर के लिए घी ले आया करो या वाइपर ले आया करो। हाँ है ना, पिछली बार भी बोलता, एक बार और भी बोला था, और लगा लिया अपने आप ना। हम्म,
बाहर, मतलब प्रसाद देने के लिए भी ना ऐसा नहीं होता कि मतलब आम है तो आम दे दो, ये दे दो, छोड़ छाड़ के देंगे ना चीजें। तो हमेशा बोलते हो कुछ ना कुछ ले आना। नाशपाती सबसे बढ़िया लगता है मेरे को, सबसे बढ़िया है अभी। है ना, मैं बब्बू को होता, ये ले, मैं वही नाशपाती बब्बू होता है जैसे लगता है ये, लेकिन होते बढ़िया है, स्वाद भी बढ़िया होता, खट्टा मीठा था ना। बब्बू को खाया कोई? और भाइयों, मैं आपको अभी हमारी मेरी ट्रॉफी कलेक्शन दिखाता हूँ। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, ये रनर अप का है, ये फर्स्ट सेटरडे फाइटर ऑफ द मैच, मतलब हार गए थे बट आई फाइट फॉर माय टीम। और ये देखो सबसे ऊपर, ये भी रनर अप, फिर हम नीसा विनर जो हम जीते थे कप, स्टार परफॉर्मर, और उसके बाद ये मेरे को मिला था मोमेंटम की तौर पे एक तरीके से। तो मेरी ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रॉफी हो गई है, इसमें से एक ये भी है, तो मोमेंटम 9 हो गई, अगले मैच में 10 हो जाएंगी प्रॉपर। क्या ले लो ट्रॉफी, ट्रॉफी ले लो, क्या करोगे, क्या करोगे, क्यों, घर पे तो रहते हो। अच्छा, तो कभी तो जाऊंगी बाहर, कर 2000 रुपए देगा, कहाँ आना, चल जाओ, करेंगे है ना भाई, हर महीने 2000 रुपए दे मेरे को, और देख शॉपिंग कर, क्या देखूं, छुट्टी शुरू करूंगी मैं कल, ले दिक्कत ही है ना, पैसे देगा तभी तो करूंगी, ठीक है। अभी आए हैं गाइस हम लोग डीमार्ट में, बहुत दिनों बाद मम्मी कर रही है यहाँ से दाल, सारी दाल ले ली मम्मी ने, ये तो नारियल है ये वाली, तो गाइज शॉपिंग जो है डन हो चुकी है, और भाई तगड़ा बिल फट चुका है, पापा करेंगे गुस्सा, अभी मम्मी उधर है उस साइड। और ये बात सच है, पापा ने बोला था जब हम कहीं जाते हैं ना तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कुछ, 3000 का सामान 5000 में आता है, 5 का 8 में, और वही हुआ है हमारे साथ, लेकिन 2-3 महीने की छुट्टी हो गई देखो। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं डी मार्ट से घर, और पापा का रिएक्शन देखते हैं शाम को, और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ये 1 महीने का सामान नहीं है, जो हम नॉर्मल शॉप्स वगैरह से लाते हैं वो 1 महीने का होता है, ये 2-2.5 महीने हमारा चल जाएगा, इस हिसाब से हम स्टॉक ला रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बाय वन गेट वन थी, जैसे कि ये देखो, ये 5 लीटर का फिनाइल 5 लीटर के साथ फ्री था, तो ये बहुत सारा सामान अभी इसके अंदर भी, सब कुछ मसाले वसाले हैं, थोड़ा बहुत सामान इसके अंदर भी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और बाकी मम्मी ने बिस्किट्स वगैरह के पैक वगैरह भी, और इधर मेयोनीज वगैरह, ये सब मैगी मेयोनीज, और आप ये देख सकते हो पास्ता, ये शेजवान चटनी, मखाने, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दिखने में लगती है सारी दालें हैं, सारी ए टू जेड दालें। और हम क्या कहते हैं, आटा और चावल नहीं लाते हैं, क्योंकि आटा हम लोग शायद चक्की का ही खाते हैं, और चावल का जो हम 25 किलो का सीधा ले आते हैं, तो अभी वो था। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर दालें मसाले सब कुछ है, हार्पिक ए टू जेड, कोलगेट, हार्पिक, कम्फर्ट, नमकीन, बिस्किट, साबुन, कोलगेट, मेयोनीज, मैगी, सब कुछ है, और इलायची, और क्या कहते धागे वाली मिश्री, ये सब चीज़ आई है। तो अभी पापा को बस ये लगता है, अरे भाई सिर्फ ले आए दाल, लिया है 4-5, और 2-4 मसाले लिया है, राशन आ गया है ना, यही लगता है ना पापा, हाँ। लेकिन राशन के सामान कुल मिला के होता है, देखो प्रिल वाला हम कितना बड़ा लेके आए हैं, स्कॉच ब्राइट ये वाला, और क्या कहते हैं कम्फर्ट लेके आए हैं, तो मतलब हाँ, तो ये सब चीज़ें ना, मतलब पापा को लगती ही नहीं है, ये लगता है कि भाई क्या ले गया। और जैसे विनेगर हो गया, शेजवान चटनी हो गई, ये देखो विनेगर, और ये क्या कहते हैं गेंडा का आपका, ये टॉयलेट क्लीनर, ये सब रॉक सॉल्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें आती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और ये 2-3 महीने का स्टॉक है, शाम को पापा और गोलू के रिएक्शन होगा, गोलू तो क्या ही रिएक्ट करेगा, लेकिन पापा सब्जी मसाला, हाँ ये है इसका एक और होगा, हाँ किचन किंग बाय वन गेट वन था इसी में। और साथ के साथ आज तीज भी है, तो आप सबको हैप्पी तीज, और मम्मी के मैंने मेहंदी भी लगाई थी, अभी दिखाती हूँ आपको, दिखाओ मम्मी, ये देखो गाइस, और मम्मी ने सूट भी पहना है आज ग्रीन कलर का, ठीक है, तो मेहंदी दिखाओ, हाँ। और हमारे जो है सोसाइटी में
हमारी सोसाइटी में फंक्शन भी है लेकिन हम लोगों ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मेरे को मतलब शोरगुल में जाना का मन नहीं था और अच्छा हुआ पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि बारिश ने पूरा प्रोग्राम ख़राब कर दिया पूरा वहाँ पे मतलब बहुत पानी पानी हो रहा है और वैसे भी लास्ट टाइम एक्सपीरियंस देख लिया था तो ऐसा जैसा कुछ अच्छा नहीं लगा था मतलब ऐसा ऐसा नहीं था कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम भी ठीक है वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने करा था और अगर मम्मी गई या कोई गया तो दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल बारिश जो है हो रही है और अभी भूख लग रही है 4 बज चुके हैं तो मम्मी से पूछती हूँ कि क्या बना रही है खाने में क्या बनाओगे फिर भी खाना तो नहीं है चुटर पुटर कुछ हमने सेमियां नहीं ली ना तो मैं आपको बोल तो रही थी सेमियां तब मम्मी ने मना कर दिया कि सेमियां अभी आंदे ही है वो लेकिन भाई धीरे 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 कर करके बिल हम बताओ क्या बना रहे हो है? क्या बना रहे हो कुछ बना दो ऐसी दाल चावल करते हो पागल हो क्या 4 बज गए दाल चावल कौन खाता है 5 बजने वाले मन नहीं हो रहा यार चावल वावल खाने का ये किचन किंग भी जो है हमको बाय वन गेट वन में मिले हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑफर में थी बहुत चीज़ें मतलब ऐसे तो बता नहीं सकते जो लोग वगैरह डी मार्ट में जाते होंगे हाँ और ये गोल कटोरी भी बाय वन गेट वन पे था तो मम्मी ले आई गोलू के लिए एक ये रहा पैकेट इसका तो गोलू को काफ़ी पसंद है तो मम्मी गोलू के लिए ले आई और लेस वगैरह भी बाय वन गेट वन पे काफ़ी सारी चीज़ें और ये पैक वगैरह में भी छूट होती है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हाँ ये भी बाय वन गेट वन था तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी बाय वन गेट वन। तो गाइज अभी बाहर हो रही है झमाझम बारिश और 5 बज चुके हैं और आज तो तीज का फंक्शन मम्मी सच्ची में है ना और मम्मी बतानी कुछ बना रही है स्पेशल क्या नाम है इस डिश का